सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं क्रीम ऑफ मशरूम सूप। रेसिपी शुरू करने से पहले हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इस रेसिपी में सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मशरूम्स। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स बटन मशरूम्स लिए हैं। इनको मैंने इस तरह से डाइस करके लिया है। नेक्स्ट है 250 ml फ्रेश क्रीम। फिर लिया है 2 मीडियम ऑनियन चॉप्ड। इसके साथ हम ले रहे हैं खूब सारा धनिया चॉप किया हुआ, 10 से 12 लहसुन की कलियां चॉप की हुई। हमने लिया है 1 स्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून इटालियन स्पाइस मिक्स, 100 ग्राम्स बटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सूप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मीडियम गैस के आंच पर एक डीप पैन या फिर कढ़ाई लेंगे। बर्तन गर्म होते ही उसमें डालेंगे बटर। कई बार सौते करते वक्त बटर जो है वो जल्दी से जल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 चम्मच तेल जो बटर को जलने से बचाएगा। तेल और बटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बटर को पूरी तरह से मेल्ट करना है। फिर इसमें जाएगा लहसुन। मैं सजेस्ट करती हूँ आप मिंस किया हुआ या फिर क्रश किया हुआ फ्रेश लहसुन ही यूज़ कीजिए। इससे हमारे सूप में बढ़िया सा गार्लिक का बाइट रहेगा। ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें गार्लिक को सॉटे करना है। फिर इसमें डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर रेड ऑनियंस का इस्तेमाल किया है, आप व्हाइट ऑनियंस भी ले सकते हैं। अब हमें ऑनियन और गार्लिक को एक साथ बटर में पकाना है जब तक कि दोनों अच्छे से फ्रेग्रेंट ना हो जाए। हमें कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें सॉटे करना है। याद रखिए, ज़्यादा पकाने से ऑनियन का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हमें वैसा कलर चेंज नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे मशरूम्स। आप बटन मशरूम की जगह पे कोई और टाइप का मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें मशरूम को 2 से 3 मिनट के लिए स्टर फ्राई करना है। ध्यान रखिए मशरूम के पीसेस बहुत ज़्यादा मोटे ना हो, इससे कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा। अब डालेंगे नमक। ध्यान रखिए बटर में भी थोड़ा सा नमक होता है, अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा है। सारे इंग्रेडिएंट्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं पैन को डीग्लेस करने के लिए। नमक डालने के बाद मशरूम जो है खुद पानी छोड़ेगा। अब हम इस मिक्सचर को ढकेंगे और कम से कम 5 मिनट के लिए मशरूम को अच्छे से पकने देंगे, जब तक मशरूम मुशी हो जाए। इस दौरान हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है। बीच बीच में इसको चेक करते रहिए ताकि मशरूम जल न जाए। देखिए कितना सारा पानी आ गया है, मशरूम्स भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, आप चाहे तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जाएगा इसमें क्रीम।
आप डेयरी फ्री क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम हाई पे रख के इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। आपको पतला सूप पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम ऐड कर दीजिए या फिर फुल फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें ऐड करेंगे इटालियन स्पाइस मिक्स। अगर आपके पास ऑरेगानो है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी स्पाइसेस को अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। अब हम इस सूप को तब तक पकाएंगे जब तक एक अच्छा सा बॉईल ना आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया के पत्ते जिन्हें हमने चॉप करके रखा है। आप देख सकते हैं सूप थोड़ा बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को धीमा करेंगे। एक अच्छा बॉईल आने पे हम लिड कवर करके इसको पकने देंगे। इस टेक्निक से सूप का टेक्सचर एकदम क्रीमी हो जाएगा। 2-3 मिनट के बाद हमें लिड को खोलना है। देखिए कितना बढ़िया क्रीमी कंसिस्टेंसी है। नमक और स्पाइस चेक कर लीजिए। सूप हमारा बिल्कुल रेडी है। गैस को बंद करके इसे हम गरम सर्व करेंगे। इस सूप को आप गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं जिससे कि अच्छा फ्लेवर आएगा। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं और एक इजी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस रेसिपी को लाइक कीजिए। नमस्कार।